अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी कॉर्न के पकौड़े, जो कि लोनावला के मशहूर कॉर्न के पकौड़े हैं। तो आज उसी स्टाइल में ये रेसिपी बनाएंगे। कुछ टिप्स भी मैंने इसमें शेयर की हैं इस वीडियो में कि किस तरह से ये भजिए क्रिस्पी बने और तलने पर ये कॉर्न चटके पटके नहीं। बारिश के मौसम में इस रेसिपी को घर पर बनाकर मज़ा लीजिए। रेसिपी बहुत आसान सी है, तो चलिए इजी तरीके से डिलीशियस ये कॉर्न भजिए या कॉर्न पकौड़े बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ स्वीट कॉर्न लिए हैं 1 कप। अच्छे से मैंने इसको वॉश करके रखा हुआ है। अब इन स्वीट कॉर्न को एक चॉपर में डालकर थोड़ा दरदरा क्रश कर लेना है। ये करना ज़रूरी होता है, जब ये कॉर्न भजिए तेल में तले जाएंगे तो ये चटकेंगे पटकेंगे नहीं। अब इन क्रश किए हुए कॉर्न को एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे। अब इन कॉर्न को आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा क्रश नहीं किया हुआ है, बस इन पर देखिए हल्का हल्का सा कट आया हुआ है, बस इसके लिए हमें ऐसा ही चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ें शामिल करनी है, तो यहाँ मैंने लिया है 1 छोटा प्याज बारीक चॉप किया हुआ है और 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं बारीक चॉप की हुई, इनको डालेंगे। अब इसमें शामिल करने हैं कुछ मसाले, तो मैंने यहाँ लिया है 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून लिया है, काला नमक 1/4 टीस्पून है और नमक जायके के मुताबिक है, इसको डालेंगे। और साथ ही इसमें चला जाएगा 1 टेबल स्पून चावल का आटा, नींबू का रस यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर कर, और साथ ही इसमें टेस्ट को बढ़ाने के लिए जाएगा सौंफ का पाउडर 1 टीस्पून और भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन शामिल करना है, जिससे इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। तो अभी मैं 3 टेबल स्पून बेसन शामिल कर रही हूँ। पहले इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि क्रश्ड कॉर्न है वो भी मॉइस्चर रहता है उसमें, तो ईजीली सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। मुझे बेसन यहाँ कम लग रहा था, तो मैं इसमें थोड़ा सा बेसन और शामिल कर रही हूँ, क्योंकि बाइंडिंग इसमें अच्छी सी आनी चाहिए। और टोटल मैंने इसमें कितना बेसन शामिल किया है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। तो यहाँ देखें, इतना गाढ़ा मिक्सचर रखना है, पानी इसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है। अगर आपको ज़रूरत लगती भी है तो थोड़ा बहुत पानी का छींटा डालकर मिक्स कर लीजिएगा। और पूरे मिक्सचर में मैंने यहाँ बेसन शामिल किया है 7 टेबल स्पून। बस ये मिक्सचर हमारा रेडी है कॉर्न के पकौड़े बनाने के लिए। तेल हमारा यहाँ प्रॉपर गर्म हो चुका है, बस छोटे छोटे इस मिक्सचर के पकौड़े इसमें डाल देंगे। ये कॉर्न के पकौड़े जब ऑयल में तले जाएंगे तो एकदम चटकेंगे नहीं, क्योंकि इन कॉर्न को हमने दरदरा करके इसका मिक्सचर रेडी किया है, तो आसानी से ये फ्राई भी होंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। अभी इसी पॉइंट पर गैस की फ्लेम को हाई पर ही रहने देना है, जब तक ये कॉर्न भजिए नीचे से अच्छे से सेट ना हो जाएं। जब ये पकौड़े एक बार नीचे से सेट हो जाते हैं तो फिर इनको हमें हल्के हाथों से पलट देना है और गैस की फ्लेम को मीडियम पर करके इनको हर तरफ गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लीजिए। जब इन पर अच्छा सा कलर आ जाए, गोल्डन और क्रिस्प हो जाए, तो इनको हमें उतार लेना है। एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी ये कॉर्न पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। बारिश का तो आजकल मौसम भी है, तो इस तरीके से लोनावला स्टाइल ये कॉर्न भजिए बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस रेसिपी को अपने यहाँ ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़े के ये कॉर्न भजिए बनकर तैयार होते हैं। बस इसको गर्मा गर्म सर्व करें, सॉस और चटनी के साथ जैसा भी आपको पसंद हो इसको एंजॉय करें। लोनावला में ये स्ट्रीट फूड की तरह बिकता है और लोग इसको बहुत मज़े से खाते हैं। ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बारिश का आजकल मौसम भी है, तो चाय के साथ इस रेसिपी को बनाएं और एंजॉय करें। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।